हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक्सपेक्टेशन था ही कि जो पैन कार्ड और आधार कार्ड की जो लिंक करने की जो लास्ट डेट है 30 जून 2023 वो एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि बहुत डेट बहुत टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो डेट को एक्सटेंड किया था। इस बार वो डेट को एक्सटेंड नहीं किया। आज 1 जुलाई 2023 है। आज हम लोग देखेंगे पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने में क्या हमको प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि 25 जून 2023 को एक नया प्रोसेस आया। वो नया प्रोसेस क्या है, आज हम लोग वो सारी चीजें इस वीडियो में सीखने वाले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये नया प्रोसेस है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि अभी हम लोग आज 1 जुलाई 2023 है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना है, और आप नहीं लिंक करेंगे तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। कि अगर आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया अभी तक का, तो आपका पैन कार्ड एक तो ये हो जाएगा कि मतलब उसका कोई मान्य नहीं रहेगा, प्लस TDS के क्या क्या इम्प्लीकेशन है वो हम लोग आने वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उस पर ही बनाने वाला, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो ऐसी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं हम लोग पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, पहले हम लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। इनकम टैक्स यहाँ पे गूगल पे मैं टाइप किया, देन आप जैसे ही इनकम टैक्स टाइप करते देखिए फर्स्ट ही आपको जो आ जाता है इनकम टैक्स पोर्टल IncomeTax.gov.in, ये इधर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, थोड़ा सी मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज करेंगे। देख जैसे ही हमने ये उधर पे क्लिक किया लिंक पे, देन इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। आपको कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। देन हमको यहाँ पे आना है, देखिए लिंक आधार पे मैंने क्लिक किया। लिंक आधार पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देन उसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसपे हमको पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स डालना पड़ेगा। थोड़ा सी मैंने बोला कि सिस्टम में थोड़ा सी मतलब इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सी मेरे को इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, देन यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। देखिए जैसे ही यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड की आप डिटेल्स डालेंगे, आप जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट करने के बाद आपको क्या ऑप्शन दिखता है, देखिए ये पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है, तो जो ऑलरेडी लिंक है उसके लिए आपको इस तरीके का पॉपअप आएगा कि योर पैन नंबर, यहाँ पैन नंबर है, इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, जो आधार नंबर है। अब जो लिंक नहीं है उसके लिए क्या न्यू प्रोसीजर है, हमको मेन वही देखना है। फिर भी मैं आपको ये बता दिया कि ऑलरेडी जो लिंक है उसके लिए क्या आपको मैसेज आएगा वो मुझे दिखाना था, इसके वजह से मैं ऑलरेडी लिंक का पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स डाला। देन अभी मैं डालता हूँ जो लिंक नहीं है उसको लिंक करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, जो न्यू प्रोसीजर आया वो क्या न्यू प्रोसीजर है। तो पहले मैं पैन नंबर डाल देता हूँ, देन अब मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने पैन नंबर और आधार नंबर दोनों इंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे वैलिडेट करता हूँ। वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मतलब आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है दोस्तों, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमको 1000 रुपीज की पहले पेमेंट्स करना पड़ेगा, देन हमको पेनल्टी की पेमेंट्स है, फिर उसके बाद हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देन अगेन मेरे को ये पैन कार्ड और पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, तो एक बार फिर से मुझे यहाँ पे पैन नंबर डालना पड़ेगा। Yes. यहाँ पे मुझे कोई भी मोबाइल नंबर, ऐसा जरूरी नहीं आप लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालना है वो वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से लिंक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, आप कोई भी यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। जैसे आप नंबर डालेंगे आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, तो जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा, 6 डिजिट का OTP जाएगा। अब वो OTP हमको इंटर करना पड़ेगा, जस्ट हम यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया है। हाँ देखिए कंटिन्यू किया, देन OTP गया। अब मैं यहाँ पर OTP डालूंगा, OTP आ चुका है मुझे मोबाइल नंबर पे, देन OTP डालने के बाद मैं ये कंटिन्यू करूंगा। देन कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वो पैन नंबर से उसका नेम उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे। देन यहाँ पे अब मैं कंटिन्यू करता हूँ,
देन जैसे ही कंटिन्यू किया मेरे को पेमेंट के यहाँ पे काफी ऑप्शंस आ गए, इनकम टैक्स की पेमेंट, डिमांड पेमेंट एंड रेगुलर असेसमेंट, इक्वलाइजेशन लिवा, फी एंड अदर पेमेंट। तो मुझे फर्स्ट इनकम टैक्स पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इनकम टैक्स पेमेंट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मुझे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो जो फर्स्ट दिख रहा है असेसमेंट ईयर 24-25 आपको वही सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे देखिए ये जो आपको नीचे अदर 500 है, अदर रिसीव 500 वो सेलेक्ट करना है। तो देखिए जो चेंजेस था वो चेंजेस आपको मैं बता देता हूँ। इससे पहले ये सेप टाइप ऑफ पेमेंट नहीं आता था, तो जो 25th ऑफ जून को जो चेंजेस आया वो यही है, एक एडिशन चेंजेस है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिक्लेयर करने बोल दिया कि फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन फीस को मैं कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये पेमेंट देखिए वो बोल रहा है पेमेंट आपको करना है 1000 रुपीज़ की। देन मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मैं पेमेंट्स करना है मुझे क्योंकि ये पैन कार्ड को लिंक भी करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू किया वो बैंकिंग डिटेल्स पूछ रहा है कि आप कौन सी बैंक से पेमेंट्स करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन कंटिन्यू करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल्स आ जाती है, एक समरी बन के आ जाता है। तो समरी के बाद नीचे आप जैसे आएंगे स्क्रॉल करेंगे पे नाउ का ऑप्शन है, मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन का इंटरफेस दिखेगा, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है। जैसे आप अग्री करेंगे तो ये सबमिट टू बैंक वाला जो बटन है वो ओपन हो जाएगा, देन यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट टू बैंक। देन आपको अपने लॉगिन डिटेल्स, आपको जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स है आप वो डाल के पेमेंट्स कर सकते हैं। आप जैसे ही फाइनल सबमिट करते हो, फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आता है, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, और यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स आपको दिखने लग जाएगी आपके बैंक की तरफ से। देन आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक आप होने दीजिए, ऑटोमेटिक वो ई फाइलिंग पोर्टल पे जाएगा, ई फाइलिंग पोर्टल के पास वो पेमेंट सक्सेसफुली बता देगा आपको ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है, एक फाइनल बटन जब आपने प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया था, चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, चालान पेमेंट, और यहाँ से आप चालान भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से चालान भी आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आपने क्या किया दोस्तों, पेमेंट किया है, अब आपको थोड़ा टाइम वेट करना है। वेट क्यों करना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ पेमेंट किया, लिंक नहीं किया है। तो थोड़ा टाइम लेने के बाद, थोड़ा टाइम मतलब 1-2 घंटे के बाद हमको क्या करना है, जैसे आपने ये हो गया आपका पेमेंट्स हो गया, आप यहाँ से चालान को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देन हमको ऑफिशियल इनकम टैक्स की, यहाँ पे मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ, होम पेज पे क्लिक किया, देखिए अब मुझे, अभी मैंने पेमेंट्स कर दिया सक्सेसफुली, और अभी मैं लिंक आधार पे क्लिक करूंगा तो इमीडिएटली नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने पेमेंट्स किया है। एक बार अभी हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आ रहा है क्या, एक बार फिर भी हम लोग डिटेल्स डाल के देखते हैं। यहाँ पे पैन नंबर डालना है, तो पैन नंबर, यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया। देन मेरे को आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आधार नंबर भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं वैलिडेट करता हूँ, जैसे ही मैंने वैलिडेट किया देन फिर से ये पॉपअप आया, ये आना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो पेमेंट्स कर दिया, लेकिन अभी एटलीस्ट इसको कम से कम 2-4 घंटे का टाइम लगेगा वो पेमेंट्स को प्रोसेस करके, वो पैन कार्ड और इस पैन कार्ड और आधार कार्ड की पेमेंट से लिंक कर देगा। देन हमको एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, बस लिंक का यहाँ पे एक ओटीपी डाल के, मोबाइल नंबर डाल के एक ओटीपी डाल के एक प्रोसीजर करना पड़ेगा जिससे मेरा रिक्वेस्ट चले जाएगा और वो पैन कार्ड और आधार कार्ड मेरा लिंक हो जाएगा। तो वो प्रोसीजर अभी थोड़े टाइम के बाद, जब वो 1-2 घंटे के बाद मैं फिर से ट्राई करता हूँ, वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद ही मैं वीडियो फिनिश करूंगा। अगर आप नोटिस किए रहेंगे तो देखिए यहाँ पे हो रहा है 1855, जो लास्ट मैंने वीडियो खत्म किया था तो 1844 पे वो खत्म हुआ था। मैंने आपको बोला था कि 2-3 घंटे के अंदर ये लिंक हो जाएगा, सारी चीजें लिंक हो जाएगी, मतलब फिर उसके बाद क्या इंटरफेस दिखेगा मैं आपको
थोड़े 2-3 घंटे के बाद बताता हूँ। मैंने 10 मिनट के अंदर ही मोबाइल से चेक किया तो वो प्रोसीजर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तो वही मैं सोचा वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ। 10 मिनट के अंदर ही दोस्तों इतना सिस्टम को फास्ट कर दिया गया कि 10 मिनट में ही अब आपका आधार पैन लिंक का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाल दिया, यहाँ पे मैंने वही जिसकी पेमेंट किया था उसी का आधार नंबर डाल दिया, देन यहाँ पे मैं वैलिडेट करता हूँ। वैलिडेट करने के बाद देखिए आपको किस तरीके का इंटरफेस, देखिए पहले क्या आ रहा था, पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा था, अब हमने पेमेंट्स कर दिया है तो अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, पेमेंट डिटेल्स वेरीफाइड हो चुकी है और ऑलरेडी BSR कोड ये सब ऑलरेडी ऑटोमेटेड उसने कैप्चर कर लिया है। देन यहाँ पे मुझे कंटिन्यू प्रेस करना है, कंटिन्यू जैसे ही मैंने प्रेस किया यहाँ पे उसका अगेन आधार नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं क्लाइंट्स का आधार नंबर अगेन एक बार फिर से डालना है वो डाल देता हूँ। मैंने आधार नंबर डाल दिया, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना है, तो अगेन आप लोग ये सोचेंगे कि जो पैन कार्ड से मोबाइल नंबर जो लिंक करना है क्या वही डालना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप कोई भी दूसरा नंबर डाल सकते हो। यानी यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेरे को अग्री करना है, अग्री किया और यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक किया। मैंने लिंक आधार पे जैसे ही क्लिक किया देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आधार नंबर आधार नेम प्रोवाइडेड डज नॉट मैच विद द नेम एज पर पैन, प्लीज चेक द स्पेलिंग एंड करेक्टनेस ऑफ द इंटर्ड नेम एंड सब रीसबमिट द रिक्वेस्ट इन केस ऑफ आधार नेम प्रोवाइडेड इज करेक्ट देन टू प्रोवाइड देन टू अपडेट योर पैन इन पैन डेटाबेस। तो अपने केस में, ये केस में क्या हो गया कि जो उसके पैन कार्ड पे जो नाम है और आधार कार्ड पे नाम है वो दोनों नाम सेम नहीं है, हाँ सेम नहीं है, इसके वजह से ये मेरे को मैसेज उसने शो किया कि जो पैन कार्ड पे नेम है और आधार कार्ड पे नेम है वो नेम सेम, मतलब सेम नहीं है। पहले मेरे को पैन कार्ड और आधार कार्ड का नेम दोनों सेम करना पड़ेगा, जब सेम होगा तभी उसके बाद यहाँ पे एक OTP आता था, देन मैं सबमिट कर देता था और पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की रिक्वेस्ट चली जाती थी। इजी आपको समझ में आया अपने केस में, ये केस में क्या हुआ कि इनका पैन पे नेम अलग है और आधार पे नेम अलग है। क्लाइंट का डेटाबेस है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं किसी का भी डेटाबेस ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि ये दोनों में डिफरेंसेस है और मैं जानबूझ के ये पैन कार्ड और आधार कार्ड को इसलिए चुना कि मुझे ये देखना था कि अगर किसी का नाम मैच नहीं होता है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, जब मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड की रिक्वेस्ट डालता हूँ लिंक करने की तो क्या मैसेज आता है, तो यही मुझे मैसेज देखना था पॉपअप कि अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का नेम मैच नहीं हो रहा है तो आपको इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपको पहले पैन नंबर और पैन नेम और आधार नेम दोनों सेम करना पड़ेगा, देन आपको ये रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर अभी तो मैंने पेमेंट्स कर दिया, तो ऐसा कोई आप ये मत सोचो कि आपने पेमेंट्स कर दिया तो आपकी पेमेंट वेस्ट होगी। आप अपने पैन कार्ड को और आधार कार्ड को दोनों को लिंक कर, मतलब दोनों का नाम सेम कर दो, सेम करने के बाद आपको सेम वैसे रिक्वेस्ट देना है और यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जो क्लिक किया था, देखिए लिंक आधार पे क्लिक किया था, यहाँ पे आपको OTP आएगा, OTP आने के बाद आपका, आपको वो OTP डालने के बाद आपका रिक्वेस्ट चली जाएगा, तो आपका कोई पैसा वेस्ट नहीं होने वाला है, उस चीज की आप बेफिक्र रहिए। तो होप आपको ये नया प्रोसीजर सारी चीजें समझ में आ गया रहेगा दोस्तों। अगर ये चीजें अब देखिए एक ये तो पूरा कम्प्लीटली न्यू प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको पेमेंट के टाइम बताया कि उधर पे एक नया वो एक टेबल भी देने लग गया कि आपको स्पेसिफाइड करो कि आप कौन सी पेमेंट कर रहे हो, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक की पेमेंट्स कर रहे हो, तो ये पूरा कम्प्लीटली, उससे पहले ये प्रोसीजर जो था हमने कितने सारे आधार पैन कार्ड लिंक किए वो प्रोसीजर में वो एक बटन नहीं देता था कि यहाँ पे स्पेसिफाई करो कि आप कौन सी पेमेंट्स कर रहे हैं। इजी आपको सारी चीजें समझ में आ गई दोस्तों, तो यही प्रोसीजर है आपको 1 जुलाई आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 जुलाई 2023 के ये वीडियो है और इसमें बस यही एक लिटिल बिट चेंजेस था जो 25th of June को जो ये चेंजेस आया गया, तो होप आपको चीजें समझ में आ गई है दोस्तों। जाने से पहले एक अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए, इनकम टैक्स GST और भी लेबर लॉ कंप्लायंसेस नोटिफिकेशन अपडेट्स चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो। और इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेस लेके आया हूँ, चीफ अकाउंटेंट के कोर्सेस है, मतलब सर्टिफाइड चीफ अकाउंटेंट के कोर्सेस है, वो बहुत ही जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको बहुत सारे कंटेंट, बहुत बेस्ट कंटेंट आपको मिलेंगे, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। और हाँ, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम को भी आप
इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके रखिए, टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिए, क्योंकि जो क्विक अपडेट्स होते हैं नोटिफिकेशन या वीडियो जो मैं बनाता हूँ उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं टेलीग्राम पे वो अपलोड करता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।